उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार के बीच जुबानी जंग भी अब तेज होने लगी है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां योगी सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम जनता से बातचीत में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सफर को साझा कर रही है। ऐसे ही एक चुनावी कार्यक्रम में नोएडा पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों को न सिर्फ योगी सरकार के द्वारा किए गए कामकाज से अवगत कराया, बल्कि विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा। हिंदुस्तान में सभी पार्टियां जो हैं वो अलग अलग समाज के लोगों से वोट मांगती हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 80% समाज के सभी वर्गों का समर्थन है। ऐसा तो है नहीं कि 100% हम तो डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं। बहुत से लोग छूट जाते हैं, इसमें कोई धर्म जाति का नहीं है वो। सर, आप अभी कह रहे थे कि 20% लोग कोरोना से मरे, 80% की मौत भूख से हुई है, यहाँ नहीं भैया। ये मैंने 100 साल पहले की बात बताई थी आपको, और वो 100 साल का सबक जो है वो उसको हमने होने नहीं दिया यहाँ पे। देखिए, किसी पर भी कोई भी, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल व्यक्ति हो, चाहे पार्टियां हो, उन पर जो है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और उनकी सुरक्षा पे इस तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्ट को जो है अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं है। और इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी कार्रवाई की है, इसलिए इस तरह की जो घटना है ना उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, दो हंसों का जोड़ा किसको बोल रहे हैं? अब आपका पहले तो दो हंसों का जोड़ा आपने देखा था, एक जो है वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू सपूत थे, और दोनों जो है वो परिवार के पालने में पैदा हुए लोग थे। नोएडा के हल्दोनी गांव में लगी चौपाल में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों को हज का कोटा बढ़ाए जाने, यूपी को बाहुबली, बलवाई और बेईमानों से छुटकारा दिलवाने सहित कई काम गिनवाए, तो साथ ही योगी सरकार में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को भी अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताया। नोएडा से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। पूरे गांव की तरफ से, पूरी बस्ती की तरफ से उनका बहुत बहुत गहराई से स्वागत करता हूं।